बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का लोहा मनवाने वाले और एक बार दोबारा पंजाबी गायक को बॉलीवुड पहचाने वाले प्रसिद्ध गायक लाभ जजुआ का आज खन्ना में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जजुआ इस समय 57 साल के थे। आज उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खन्ना उनकी पत्नी दिलजीत कौर लेकर आई। वहीं लाभ जजुआ अपने पीछे अपना एक 8 साल का बच्चा छोड़ गए जिसको उन्होंने गोद लिया था। जजुआ की मौत के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस दुखद समय में पंजाबी संगीत जगत की बड़ी हस्तियां जजुआ के परिवार के साथ खड़ी नजर आई। तरीक नु पता लग गया सी जद फोन नहीं सी चकते मैं तो गए ने 20 तरीक नु खन्ने तो 20 तरीक दी फ्लाइट सी उत्ते जाके कहंदे मेरा टेढ़ा फर गया मैं तंग आ मैं कहा तुसी वापस आ जाओ तेरे मैं वापस नहीं आना मैं ठीक हां मेरी चिंता ना कर मैं ठीक हां बस फिर अटैक हो गया उन्होंने ओदू बाद 9:30 रात नू मेरे नाल गल हुई है उदू बाद तो गल ही नहीं हुई फोन ही नहीं चुकया मेरा जब फोन नहीं चुकया फिर मैं चले गई काम वाली नू फोन किया गेट अगे खड़ी सी कहंदी भाभी मेरा वीरा कहंदी गेट नहीं खोलता कहंदी मैं कुंडे गेट अगे खड़ी है कहंदी दरवाजा नहीं खोल उधर जजुआ की अंतिम यात्रा में गुरदास मान सुरिंदर शिंदा दविंदर खन्नेवाला सहित कई नामी पंजाबी गायक पहुंचे। इस मौके गुरदास मान और आए कलाकारों ने बताया कि जजुआ एक बहुत अच्छे गायक थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया। वहीं गुरदास मान ने कहा कि जजुआ एक प्यारा इंसान था और मिलनसार व्यक्ति था तभी आज उसकी ये सादगी हमें यहाँ खींच कर ले आई। शख्स एक रूह जड़ी चली जाती है वो पिछे किन्ने लोग जुड़े होंगे किन्ने लोगों का कारोबार भी जुड़िया होंगे उस चीज़ का थोड़ा दुख है। रब सब से मेहर करे सब के बच्चों तंदुरुस्त रखे सब कलाकारों उन्होंने हयाती लंबी करे ताकि वो अपनी माँ बोली की खिदमत करते रह सेवा करते रहन। सो बस इन गलों बड़ा प्यार गीत भी बड़े गुणगुणा दी मैनू मेरे शहर दिन गलियां जान प्यार से यही प्यार अज खिंच के लेके आया। खन्ना से अजा टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।